मशीन बंद करो, मैं तो बोलती हूँ मशीन बंद करो और ऑन द स्पॉट थिएटर लगाओ हर एक एरिया और वहाँ पे ऑनलाइन जो वोटिंग कराओ। फिर देखती हूँ कि कैसे आती है मोदी सरकार। अरे नहीं है, अरे परिवार होता है तो दाल आटे चावल का भाव मालूम पड़ता है कि हम जैसे औरतें कैसी मजूरी कर रही हैं और कैसे घर चलाया जा रहा है। वो तो खुला बोलते हैं कि मैं फकीर हूँ, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। वो आपको सोचना है, हमें सब सोचना है। आप ससुर जी लगते हैं क्या मोदी जी कि मैं उनके, मेरी दुश्मनी है जाती, कोई दुश्मनी नहीं है कि तुम सब हवाई जहाज में बैठो, हवाई चप्पल ही गायब हो गई, हवाई जहाज में तो बैठना दूर की बात। तो सब भाजप के लोग मशीन में चोरी करते हैं, जापान से मशीन मंगाए हैं और वो मशीनों में ही घपला है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान के लिए अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। प्रथम चरण का प्रचार आज बंद हो गया है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अहमदाबाद की निकोल विधानसभा सीट पर। प्रथम चरण के मतदान से पहले जानेंगे कि मतदाताओं का रुझान क्या है, क्या इस बार राज्य में चली आ रही पिछले 27 सालों से भाजपा की सरकार दोबारा बनने जा रही है या फिर परिवर्तन होने जा रहा है। इसी जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से ही पूछ लेते हैं क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार। अगर गुजरात चुनाव की बात की जाए तो प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस बहुमति से आ रही है, ऐसा हमारा मानना है। और निकोल विधानसभा में जो हमारे स्थानीय MLA जगदीश पंचाल साहब, जो कि यहाँ पर कोई काम उन्होंने किया नहीं है, और हमारे कांग्रेस पार्टी ने अभी यहाँ पर एक रंजीत भाई बारट जो यहाँ के युवा नेता हैं उनको टिकट दिए, जोशीले हैं, और हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस से वो जीत के आए। इनका मानना है कि गुजरात विधानसभा में एक जो है इस बार परिवर्तन होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, कांग्रेस जीतने जा रही है, आप सहमत हैं इनकी बात से, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक निकोल विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि आज तक हर बार बीजेपी की सरकार ही बनी हुई है और अगली बार जगदीश भी 25,000 मत से जीते थे, इस बार शायद मेरे हिसाब से 50,000 के ज्यादा लीड से जीत पाएंगे, क्योंकि सौनों साथ सौनों विकास साथे भारतीय जनता पार्टी चाली रही है। सबना साथ सबना विकास की बात कर रहे हैं आप, बताइए। कोई सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है, सिर्फ नेताओं का और मलतियाओं का विकास हो रहा है। यहाँ पर आम जनता महंगाई से, भूखमरी से, यहाँ पर रोजगार नहीं लोगों के पास, शिक्षा नहीं है। आप यहाँ के स्कूलों में जाओ सर, पता चलेगा निकोल में कोई काम नहीं हुआ। कोई सरकारी स्कूल में जाके देखिए, कोई विकास बताइए मुझे निकोल में हुआ तो। अब इनसे पूछो कोई विकास क्या हो तो, कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी तरफ से। सिर्फ बीजेपी है ना कोमवार ताकत पे जीतती है सर, वो कोई विकास के नाम पे नहीं जीतती है, या एक्सम करा के जीत जाती है। बताइए, सहमत है आप इनकी बात से? हाँ, इन्होंने जुल्फी भाई ने जो बोला है बहुत हद तक सही है ये, क्योंकि देखो गैस के बाटले पे इन्होंने 400 रुपया था, खूब आंदोलन करा, आज सब गायब हो गए। पेट्रोल था 60 रुपया, आज 100 रुपया हो गया। कुछ नहीं, खाली पब्लिक एक तरफा, खाली हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, बराबर है। ऐसा कौमी एकता वाली सरकार यानी आ ही नहीं रही है, और एकता वाली सरकार नहीं आ रही है। गैस के बाटले पे खूब प्रदर्शन करते थे पहले, है ना, और इस बार आप कह रहे हैं कि मतलब कि आप चांद शांत बैठे हुए हैं, बताइए कैसे देखते हैं? नहीं, कौमी एकता की बात है तो दो महंगाई की बात कीजिए। नहीं, मेरी बात सुनो, महंगाई की बात ही कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी महंगाई चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि खाली, हाँ बराबर। और भाई गैस के बाटले, सब्जी के दाम, हर तेल के भाव, गैस के बाटले के दाम आसमान छू रहे सर। कहाँ पूरे वर्ल्ड में, सऊदी अरब में जा, पूरे कहाँ महंगाई अमेरिका में। सिर्फ जब बात थी महंगाई की तो पहले आदमी 5,000 की तनख्वाह लाता था, अभी 15,000 की ला रहा है, तो बात तो वही की वही है ना। तो सर चकली दी ना केला लिया वाली बात है, केला दिया चकली दी घुमा फिरा के बात कर रहे। महंगाई आपको पता चलेगी ये दिखने पर, तो गरीब महिला से पूछो आप मालूम पड़ेगा। बोल रहे हैं कि 5,000 रुपया कमाता था इंसान, लेकिन मैं मानती हूँ कि 5,000 कमा के इंसान 10 को बिठा के खिलाता था। आज की डेट में एक इंसान कमा के, 10 इंसान कमा के एक इंसान को बिठा के नहीं खिला सकता, इतनी महंगाई है। और आज की डेट में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं है आज के देश में। भाजपा के राज में आज मैंने जो दिन देखी है, वो कोई लेडीज मेरी जगह पे हो ना तो हर तकलीफ में हर कोई औरत दुखी हो जाए, आत्महत्या करती हो जाए। मैं अकेली औरत, मेरा नाम है ममता राजपूत, मैं अकेली ट्रक चलाती हूँ, मिनी ट्रक छोटा हाथी,
आज से नहीं, 2010 में मेरा पेपर में भी आया था गुजरात समाचार में, लेकिन आज तक ना मेरे को अकेली लेडीज होने के नाते कोई सरकार सहाय नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मैं अकेली औरत, आज बाटले का भाव देखो जाए तो 1060 रुपया होते गया, धीमे धीमे इतना भाव, अब मैं 5000 कमाती हूँ और भाड़े पे रहती हूँ तो लाइट बिल इतनी महंगी हो गई है, लाइट बिल में कोई ये नहीं है, यूनिट बढ़ते जा रहा महीने 2500 रुपया लाइट बिल आ रहा है, 1100 रुपये का बाटला लेंगे तो खाएंगे क्या? ये तो और ये बोल रहे ओल्ड में महंगाई है, कैसे मान सकते हैं? देखिए अभी आपकी जो बात है तो उसमें आप पहले कितनी ट्रक चला के कितनी तनख्वाह लाती थी? मैं जितना पैसा पहले कमाती थी आज उसमें आधा कमाती हूँ मैं, पहले नहीं। नहीं नहीं, ये बात से हम सहमत नहीं है। उसका कारण ये की है कि जैसे विकास बढ़ा है, आदमी का अर्थतंत्र भी बढ़ा हुआ है बराबर, और महंगाई की बात तो इकोनॉमिक पे रहती है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा तो है नहीं कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार में ही ये खाली था, सब भाड़ा वही था। मेरा कहने का मतलब ये है आज से 20 साल पहले 32 रुपया लीटर डीजल था, तब भाड़ा वही चलता था हम लोगों को गाड़ियों का, और आज की डेट में 100 रुपये के आसपास है डीजल, फिर भी भाड़ा वही का वही है, फिर क्या कमाएगा इंसान? देश का विकास क्या होगा? यह पुल बनाने से देश का विकास होगा? जो रुपया यह पुल बनाने में नेता ये भाजपा मोदी साहब डाल रहे हैं, वो पैसा कोई कंपनी बनाए, कोई गरीबों को सर्वे करके नौकरी दे, रहने के लिए छत दे, वो देश का विकास है? वो तो कहते हैं कि मैं भी तो गरीब था, गरीब फैमिली से आया था, उनके कहने का वो तो खुला बोलते, वन सेकंड, वो तो खुला बोलते हैं कि मैं फकीर हूँ, मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। वो आपको सोचना है, हमें सब सोचना है, आपको सोचना है, हमें सोचना है। वो तो चोखा बोलते हैं, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तुम तो परिवार वाले हो, तुम रखड़ जाओगे, ये जहाँ पुल की जरूरत तो उनका भी है। अरे नहीं है, अरे परिवार होता है तो दाल आटे चावल का भाव मालूम पड़ता है कि हम जैसे औरतें कितनी मजूरी कर रही हैं और कैसे घर चलाया जा रहा है। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर वो फकीर आदमी है, झोला लेके निकल पड़ेगा, तो उसने भ्रष्टाचार कहाँ किए भाई? भ्रष्टाचार तो हर जगह है, नोटबंदी, वन सेकंड, नोटबंदी की है, इस नोट में 1 रुपये की बरकत नहीं है। अगर सर्वे आप करते हो, कोई इंसान यू बोल दे कि मैं ये नोट में कमा के सुखी हूँ तो मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। मैं गिरा, इन्होंने जो बोला ना कि झोला छाप फकीर है वो तो चल देंगे, तो वो तो फकीर, अरे सर 50 लाख 40 लाख के सूट देने जा रहे हैं, उनका राजा मारा ये सब देख रहे, भोजन चल रहा है, खाना खा रहे हैं, कितने गरीब है पूरी दुनिया देख रही है, कोई गरीब नहीं है, गरीबों को देखना चाहिए। अगर गरीब परिवार से है तो गरीब ये बहन है, गरीबों का पर जो तकलीफें आ रही है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं सुना कौन सुनेगा? अभी आपने लाइट बिल देखा सर कितना, अभी भी 2000-3000 रुपये बढ़ा दिया है क्या? लाइट बिल आदमी नहीं भर सकता, कहाँ से घर का खर्चा चलाएगा? 2 महीने का जो 4 महीने का मेरा लाइट बिल आता था, 2 महीने का। इनके कहने और बोलने में बहुत फर्क है। इन्होंने लॉकडाउन लगाया, लोग भूखे मर गए, बैंकों को बोला था कि आपके EMI माफ जाएगी बराबर, आज बैंकों ने वो 3 महीने के बदले में 7 महीना दे रहा है, कितना? और वहाँ बैंकों में जाओ तो क्या बोलते हैं कि सरकार ने हमारी तरफ फैसला दिया है, कोर्ट ने हमारी तरफ दिया है, आपको जो करना है वो करो। अच्छा, तो बैंक भी उन्हीं लोगों के काबू में आते हैं जो मोदी जी के दोस्त कहे जाते हैं, वो पैसा लूट के भाग जाते हैं, मान लेके चले जाते हैं। वो जो छोटे मोटे है 2-5 लाख वाला, उसका घर भी कब्जे हो जाएगा, मकान भी कब्जे हो जाएगा, और जो 7000 करोड़ ले जाएगा वो ACS करेगा। अगर बैंक के जब जो मोदी सरकार के हाथ में है, तो जब ये लोन दी गई थी तब मोदी सरकार थी कि कांग्रेस सरकार थी? ये सब भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में ही हुए ला है, और उसकी वजह यही है कि अभी वो भाग गए तो अभी मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, लॉकडाउन खुलने पे उन्होंने बोला था 20 लाख करोड़ पैकेज दिया जाएगा हर एक गरीब इंसानों को, 1 लाख रुपया इनाम, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हर एक इंसान को बिजनेस करने के लिए लोन मिलेगा। बैंक में गए लोग धक्के खाए, लेकिन किसी को मिला ही नहीं, ये कौन सा न्याय है भाई? और विजय माल्या करोड़ों का फांदा करके चला गया, उसको तुम लोन दे रहे हो, दूसरे हैं उनको दे रहे हो, हम जैसे क्या तुम्हारा बिगाड़े है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा लोन, हमको क्यों नहीं कोई सहाय मिल रही है?
विजय बहन को, मेरी बहन को ये मालूम नहीं है कि विजय माल्या को जब लोन दी गई थी तब सरकार कौन की थी? विजय माल्या की लोन दी गई सरकार कौन थी? पर भागा तो मोदी जी के जमाने में ये ना जनता खड़े, अब सर्वे कर लो, उन्होंने कोई ना कोई काम किया, एक आदमी से आप पूछ सकते हो सर, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ सर्वे करके पूछ सकते हो आप। न्याय सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सरकार का मतलब क्या हुआ? सबके मोदी जी ने एक भाषण में क्या बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाले मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम सब हवाई जहाज में बैठो, हवाई चप्पल ही गायब हो गई, हवाई जहाज में तो बैठना दूर की बात। ये मोदी जी का भाषण है, और उन्होंने एक भाषण में ये भी कहा था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आने वाले समय में आप सबके पॉकेट में रहूंगा, और आज की डेट में वो सबके पॉकेट में घूम रहे, वो भी पूछो कैसे। उन्होंने कोरोना का सब ये करे, और उसके वैक्सीन का जो कार्ड बनवाए उसमें उनका फोटो है, आप अपने